तालुका के अवारपुर क्षेत्र में अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के क्षेत्र में आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल विद्यालय की चौथी कक्षा में मानव निर्मित तालाब में डूबने की घटना 3:13 पर सामने आई है। गणतंत्र दिवस के दिन ही घटी इस घटना से पता चलता है कि कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था झील खतरनाक होने की आशंका के बावजूद घटनास्थल पर सुरक्षा गार्ड नियुक्त करना जरूरी था। कहा जाता है कि कंपनी और कॉलोनी के गंदे पानी को निकालने के लिए झील का निर्माण किया गया था। निकलने वाले पानी की भारी मात्रा को संग्रहित करने के लिए झील बहुत गहरी और चौड़ी है। चूंकि इस झील का क्षेत्र खतरनाक है, इसलिए इस जगह पर सुरक्षा के संबंध में संकेतक बोर्ड और सुरक्षा कर्मचारियों को नियुक्त करना आवश्यक है, लेकिन कंपनी प्रशासन ने इस पर अक्षम्य रूप से ध्यान नहीं दिया है। इलाका सुनसान और खुला है, इसलिए कॉलोनी में रहने वाले कर्मचारियों के बच्चे खेलने जाते थे, लेकिन कंपनी प्रशासन ने सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि कंपनी की सुरक्षा में हुई लापरवाही के अंततः 3 बच्चों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है। चूंकि स्कूल में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के बाद छुट्टी थी, पारा सचिव गोवार दीपे उम्र 10 वर्ष, दर्शन शंकर बच्चा उम्र 10 वर्ष, संजय सूले सिंह 10 वर्ष, कक्षा के तीनों दोस्त पुल एरिया में खेलने गए थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि खेलते समय वे पानी में उतरना चाहते थे या वे तैरने के इरादे से झील में उतरे होंगे। शाम होने के बाद भी जब बच्चे घर नहीं लौटे तो माता पिता ने उनकी तलाश शुरू कर दी। इस दौरान सीमेंट कंपनी के परिसर में झील के किनारे तीनों बच्चों के जूते व कपड़े मिले। तालाब के किनारे बच्चों के कपड़े और जूते मिलते ही सबको शक हो गया और आखिरकार घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू किया और स्थानीय गोताखोरों को बुलाकर झील में तलाशी की, लेकिन खोज अभियान आधी रात को ही रोकना पड़ा क्योंकि पानी गहरा था और रात का समय था। शुक्रवार 27 तारीख को चंद्रपुर से जैसे ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, एक बार फिर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। रेस्क्यू टीम ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद झील की तलहटी में फंसे छात्रों के शव बरामद करने में कामयाबी हासिल की। तीनों छात्रों के शव झील से बाहर निकाले जाने से पूरे इलाके में मातम का माहौल बन गया। गढ़चांदूर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुनील कुमार नायक के मार्गदर्शन में थानेदार सत्यजीत आमले, पुलिस उपनिरीक्षक प्रमोद शिंदे, जमादार संदीप अतकिने व उनके साथियों सहित स्थानीय गोताखोरों व चंद्रपुर एथिल व चंद्रपुर के रेस्क्यू टीम ने अथक परिश्रम से छात्रों के शव बरामद किए हैं और गढ़चांदूर पुलिस आगे की जांच कर रही है। घटना के बारे में जब नागपुर मेट्रो समाचार और BCN न्यूज ने बात करने की कोशिश की तो कंपनी प्रशासन के अधिकारियों ने जवाब देने से इनकार कर दिया। अल्ट्राटेक क्षेत्र में हुए इस घटना के लिए कंपनी प्रशासन जिम्मेदार है और उनके द्वारा खोदी गई मानव निर्मित झील के बारे में बहुत से लोगों को पता भी नहीं है और झील के चारों ओर कोई सुरक्षा गार्ड या कोई चेतावनी बोर्ड या सिग्नल नहीं है कि यही कारण है कि यह घटना हुई है और मांग की जा रही है कि कंपनी प्रशासन के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाए। श्रम संगठन के महासचिव साईनाथ बुचे ने किया है। सिक्योरिटी नहीं है उनका पगार का, 2 साल से सिक्योरिटी यहाँ पे लोकल में सिक्योरिटी नहीं है उनका पगार का महीना, इसलिए साला चोरी हो गया। पहले कंटिन्यू सिक्योरिटी यहाँ पे रहता था, अभी 1.5 साल हो गए कम से कम, तो यहाँ पे रात में सिक्योरिटी नहीं है तो, और चोरी हो गया तो अभी तक कोई पता नहीं चोरी का क्या हुआ। ये हुआ है यहाँ से मुरुम का उत्खनन करती है कंपनी और ये बड़े बड़े गड्ढे 15-15 फीट के नीचे के गड्ढे, वहाँ बच्चे मर गए, मनुष्य वध का गुना दाखिल होना चाहिए कंपनी के ऊपर। अरे महीना हो गया यहाँ से, 1 महीने से रास्ता कंटिन्यू, यहाँ पे बैरिकेडिंग क्यों नहीं किया फिर कंपनी में, तो यहाँ बैरिकेडिंग करो वहाँ बैरिकेडिंग करो, ये दिखा नहीं क्या फिर। कल रात को 9:30 हमको खबर मिली कि 3 लड़के अल्ट्राटेक अवारपुर कंपनी के कॉलोनी के रहने वाले 10 साल की उम्र के, वो वहाँ पे जी टाइप का पॉन्ड है, वहाँ डूब के डूबने की आशंका उन्होंने जताई। हम लोगों ने जाके सर्च ऑपरेशन किया, जो नज़दीक के गांव के गोताखोर थे उनके मदद से हम लोगों ने रात को 1:30 तक कोशिश की और कुछ पता नहीं चला। आज सुबह चंद्रपुर की हमारी जो पुलिस रेस्क्यू टीम है वो और कुछ अन्य गोताखोर उनके मदद से फिर से आज सुबह से हमने सर्च ऑपरेशन किया, उसमें 3 10 साल की उम्र के बच्चों की डेड बॉडी मिल गई है। उनका पोस्टमार्टम के लिए हम उनको यहाँ RHC गढ़चांदूर में लेके आए हैं।
थोड़ी से उसके पासवर्ड भी में देखेंगे तो दो दिन पहले भी उन्होंने एक लड़के से पूछा था कि चलो खेलने जाते हैं, तो खेलने गए तो वो जंगल की तरफ जाने लगे, तो वो लड़का वो डर गया, वो बोला मैं नहीं आता हूँ, चौथा वाला लड़का था, तो ऐसे तुम नहीं आते हो तो मत आओ हम जाते हैं, वो आगे गए थे। तो कल वो देर रात तक शाम तक आए नहीं, तो उनके घर वालों ने पूछताछ की तो मुझे उनके लड़के से पता चला कि वो जंगल में गए हैं। जब वहाँ जाके देखा तो वहाँ उनके कपड़े और चप्पल वगैरह मिले थे, जो जी टाइप का पॉन्ड है, जो नाला है, तो वहाँ पे वो कपड़े मिले थे। तब सर्च ऑपरेशन किया था हमने रात 1 बजे तक, पर नहीं मिला और वो डेड बॉडी मिली है। चंद्रपुर के कोरपना से BCN न्यूज़ के लिए सुनील ताइडे की एग्जीक्यूटिव रिपोर्ट।